हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं ABEO पेपर 2 के यूनिट 4 में जो टॉपिक आपका मेंशन है, क्वालिटी इन एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता। तो ये टॉपिक आज हम देखने जा रहे हैं। यदि हम शिक्षा की गुणवत्ता की बात करें, क्वालिटी इन एजुकेशन की बात करें, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा डेलॉस कमीशन की रिपोर्ट। ठीक है, हमें क्या देखना पड़ेगा? डेलॉस कमीशन रिपोर्ट। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? डेलॉस कमीशन रिपोर्ट। समझ में आया आप लोगों को, जिसका आज ये पार्ट 1 रहने वाला है। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले, यदि आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचते रहे। साथ में यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करें। ये एक रिमाइंडर है जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यदि एक हफ्ते के अंतराल में हमारे पास जितने भी रजिस्ट्रेशन आते हैं, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, बुक को पब्लिश करवाएंगे। तो अंतिम 4 दिन ही बचे हैं। यदि अभी रजिस्ट्रेशन अभी उतने आए नहीं है, मैंने आपको बताया था 500 से 1000 जब रजिस्ट्रेशन आ जाएंगे तभी हम इस बुक को पब्लिश करवा पाएंगे, अदरवाइज हम इस बुक को पब्लिश नहीं करवा पाएंगे। तो यदि आप इच्छुक हैं बुक के लिए, तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा पाएँ। ठीक है, बस यही आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप, और मुझे लगता है आप निश्चित रूप से ही बिल्कुल सहयोग भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारा यकीन बैच है, और यकीन बैच यदि आप सीजी व्यापम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यदि आप एकदम फ्रेशर हैं, तो बिल्कुल आप इस यकीन बैच में ज्वाइन कर लीजिए। यकीन बैच में हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम सीजी व्यापम द्वारा आयोजित सभी एग्जाम्स को कवर अप कर रहे हैं। और इसी वजह से हमने इस प्राइस का, इस कोर्स के प्राइस को बहुत ही अफोर्डेबल रखा है, 1399, जो कि केवल सभी एग्ज़ाम के लिए ये प्राइस है। चाहे सीजी व्यापम के द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए, चाहे वो RI हो, चाहे वो हॉस्टल वार्डन हो, चाहे वो अमीन पटवारी हो, क्योंकि ये सब अभी वैकेंसी आने वाली है ना, चाहे वो सहायक ग्रेड 3 हो, चाहे जो भी हम वैकेंसी की यदि हम बात करें, तो इस यकीन बैच में हम सभी एग्ज़ाम्स को कवर अप करते हुए चलेंगे। तो मैं चाहूँगी ये कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग यकीन बैच में एनरोलमेंट करवाइए। क्यों? क्योंकि अभी बम्पर भर्तियाँ आने वाली हैं छत्तीसगढ़ में, है ना। तो अगले 2 साल में आप देखेंगे, यानी कि इस साल 2022 और 2023 में आप देखेंगे काफ़ी भर्तियाँ आने वाली हैं। तो उसी को टारगेट करके हमें अपने ऊपर यकीन होना चाहिए कि हम सभी एग्ज़ाम्स को क्रैक कर जाएंगे। तो बिल्कुल आप यकीन बैच में एनरोलमेंट करवाइए। क्यों? क्योंकि आपको जब अपने ऊपर यकीन होगा तो निश्चित रूप से आपका सभी एग्जाम्स क्लियर होगा ही। लेकिन आपको ज़्यादा सोचने में समय भी व्यतीत नहीं करना है, क्योंकि लिमिटेड ऑफर रखा गया, 15 अगस्त तक ही केवल ऑफर है, जहाँ पे आपको ये कोर्स जो है यकीन बैच आपको 1399 में मिलेगा। 15 तारीख के बाद में इसका प्राइस जो है बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भी शेयर कीजिए, साथ में आप लोग जो है, जितने लोग देख रहे हैं, तो इस कोर्स में आप लोग एनरोलमेंट करवाइए। क्यों? क्योंकि ये आपके सभी एग्ज़ाम्स में हेल्प करने वाला है, सभी एग्जाम्स में हेल्प करेगा। ऐसा नहीं कि आपको किसी एग्जाम में ई वाले में पढ़े या वो वाले में पढ़े, आपको सभी एग्जाम में ही हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया हमें देखना है शिक्षा की गुणवत्ता। और शिक्षा की गुणवत्ता को देखने के लिए, क्वालिटी इन एजुकेशन को हमें पढ़ने के लिए, हमें पढ़ना पड़ेगा डेलॉस कमीशन रिपोर्ट। डेलॉस कमीशन रिपोर्ट की थोड़ी पहले हम पृष्ठभूमि जान लेते हैं, बैकग्राउंड भी जान लेते हैं कि क्या है ये। तो 1993 में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। 21वीं सदी की शिक्षा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था यूनेस्को के द्वारा। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा गठन किया गया। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, इसका मतलब कि एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन हुआ, और अंतर्राष्ट्रीय आयोग को क्या बोला गया? इंटरनेशनल एजुकेशन कमीशन, है ना, इंटरनेशनल एजुकेशन कमीशन, जो कि क्या बोला गया इसे, कि आप हमें 21वीं सदी की शिक्षा के बारे में आप हमें जो है रिकमेंड करो। ठीक है, आप हमें जो है
कि किस तरीके से शिक्षा होनी चाहिए 21वीं सदी में, आप हमें बताइए। बिल्कुल, ये 1993 में इस आयोग की अध्यक्षता गठन हो गया। इस आयोग की अध्यक्षता कर रहे थे जैकॉस डेलोर। ये जैकॉस डेलोर कहाँ के, तो ये फ्रांस के ही हैं, ठीक है, ये फ्रांस के हैं। अध्यक्षता कर रहे थे जैकॉस डेलोर, तो इस इनके नाम पर इस आयोग का नाम पड़ गया डेलोर कमीशन। डेलोर कमीशन, डेलोर आयोग पड़ गया। इस आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो उसका क्या नाम है, डेलोर कमीशन रिपोर्ट। इस आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, तो इस आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक था लर्निंग द ट्रेजर विद इन। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट जो है 1996 में प्रस्तुत की थी। कब प्रस्तुत की, 1996 में प्रस्तुत की थी। 1996 में डेलर्स कमीशन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, और इस रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, सीखना अंदर का खजाना, सीखना अंदर का खजाना, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। ठीक है, आपको ये पृष्ठभूमि समझ में आई कि क्या है क्या नहीं। अब वो ये वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, डेलर्स रिपोर्ट 1996 में डेलर्स आयोग द्वारा बनाई गई एक रिपोर्ट थी, कि यह रिपोर्ट यूनेस्को पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने 21वीं सदी के अध्ययन के लिए फ्रांस के जैकस डेलर्स के अध्यक्षता में पेश की थी, की गई थी, है ना। लर्निंग द ट्रेजर विद इन क्या है, तो ये एक रिपोर्ट है जो कि यूनेस्को पेरिस में प्रेजेंट की गई है। किसके द्वारा, तो इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन, इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन फॉर द 21st सेंचुरी। ये है पूरी, ये है आयोग का नाम, है ना, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द जैकॉस डेलोर। और ये जैकॉस डेलोर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे इस आयोग का, तो इस आयोग का नाम पड़ गया डेलोर कमीशन, डेलोर आयोग। ये डेलोर, ये जैकॉस डेलोर कहाँ के, तो फ्रांस के हैं। इस आयोग में बाकी देश के सदस्य भी थे, और वो बाकी देश के सदस्य की यदि हम बात करें, जैसे कि चीन हो गया, फ्रांस हो गया, जापान हो गया, पोलैंड हो गया, इस तरह से 14 देश के सदस्य थे इस आयोग में। 14 देश के सदस्यों के साथ में भारत का भी प्रतिनिधित्व किया जा रहा था, यानी कि भारत की भी सदस्यता थी, और भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे डॉक्टर करण सिंह। कौन कर रहा था, भारत की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे थे डॉक्टर करण सिंह। ये वही चीज लिखा है, द मेंबर ऑफ दिस कमीशन मेड अप ऑफ 14 मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज लाइक चाइना, फ्रांस, जापान, पोलैंड एक्सेट्रा, इंक्लूडिंग डॉक्टर करण सिंह फ्रॉम एशियन नेशन दैट इज इंडिया। ठीक है, फिर उसके बाद यदि हम बात करें कि इस आयोग ने तो डेलोर कमीशन ने टू की कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। क्या दिए हैं, तो टू की कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, दो प्रमुख अवधारणाएं प्रस्तावित की हैं, दो प्रमुख अवधारणाएं प्रस्तावित की। वो दो प्रमुख अवधारणाएं क्या हैं, तो एक पहली है लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ, और दूसरी अवधारणा क्या है, तो फोर पिलर्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये क्या है, आइए देखते हैं, समझते हैं। लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि यहाँ पे क्या बताया गया इनके द्वारा, ये बताया गया कि यदि हम बात करें, यदि हम सामान्य रूप से भी बात करते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में क्या रहता है, तो प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में एक विद्यार्थी ही रहता है। क्या रहता है, एक विद्यार्थी रहता है। हम अपने जीवन के प्रत्येक पड़ाव में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, यानी कि हमारी लर्निंग प्रोसेस जो है, जो हम सीख रहे हैं, वो हमारा बिल्कुल पूरा जीवन पर्यंत चल रहा है। तो इनकी जो दो प्रमुख अवधारणाएं हैं, उसमें पहली कौन सी है, जीवन भर शिक्षण, एवं दूसरा क्या है, तो शिक्षा के चार स्तंभ। यदि पूछा जाता है शिक्षा के चार स्तंभ किस आयोग ने प्रस्तावित किए हैं, तो शिक्षा के चार स्तंभ डेलर्स आयोग ने प्रस्तावित किए हैं। डेलर्स कमीशन ने फोर पिलर्स ऑफ एजुकेशन को प्रपोज किया है। ये फोर पिलर्स ऑफ एजुकेशन क्या होते हैं, तो फोर पिलर्स ऑफ एजुकेशन है टू नो, टू डू, टू बी एंड टू लीव टूगेदर। यानी कि हम जाने कि हम हैं कौन, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या होना चाहते हैं, और हम एक साथ रहना सीखें। क्या है ये जो शिक्षा के चार स्तंभ है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो मैं बिल्कुल इसको विस्तृत रूप से आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे केवल और केवल एक हाईलाइट की तरह आप इसको बस जान लीजिए कि डेलर्स आयोग ने जो है शिक्षा के चार स्तंभ प्रस्तावित किए, जिसके अंतर्गत आता है जानना, करना, होना और एक साथ रहना। समझ में आया आप लोगों को, इतनी चीज समझ में आई है, आगे देखते हैं हम लोग।
इस आयोग ने, जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया कि 1996 में अपनी इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है, 1993 में गठन हुआ था और 1996 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया। इस आयोग ने जो है विल और शुड को बहुत ही क्लियरली मेंशन किया है। विल और शुड को क्लियरली मेंशन करने के पीछे इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है कि इस आयोग ने जो है हमेशा एम्फसाइज क्या किया, तो इस आयोग ने एम्फसाइज किया कि वॉट एजुकेशन शुड बी। इस आयोग ने कभी ये नहीं बोला वॉट एजुकेशन विल बी। विल बी का मतलब क्या होता है? क्या होगा। शुड बी क्या होता है? होनी चाहिए। अब समझिए, यहाँ पे थोड़ा अंतर समझिए, है ना? अंतर क्या है यहाँ पे? इस आयोग का गठन ही क्यों किया गया, ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन क्यों किया गया था कि 21वीं सदी की शिक्षा के बारे में आप हमें सिफारिश दीजिए, आप हमें रिकमेंड करो कि 21वीं सदी की शिक्षा क्या है, ठीक है? तो इस आयोग ने हमेशा फोकस ये किया कि 21वीं सदी में शिक्षा क्या होगा नहीं, इसने बोला 21वीं सदी की शिक्षा क्या होनी चाहिए। इसका अर्थ समझिए, बहुत ही विचार, यानी कि विचार करने वाले शब्द हैं। इसका मतलब यदि हम अपने आप से रिलेट करें, हम क्या होंगे, हम आज से 10 साल बाद क्या होंगे, इस पर विचार मत करो कि आप क्या होगे, आप क्या होना चाहते हो, आप ऑफिसर बनना चाहते हो, आज से पढ़ने लगो, सपना मत देखो कि 10 साल बाद मैं ऑफिसर बन जाऊंगा, क्या होऊंगा, ये क्या होंगी, नहीं, होना क्या चाहते हो, ऑफिसर बनना चाहते हो, तो ऑफिसर बनने के लिए आप यदि जब अपना प्रेजेंट सुधार लोगे ना, जब हम अपना वर्तमान सुधार लेते हैं तो हमारा भविष्य भी अच्छा हो जाता है और हमारा भूत भी अच्छा हो जाता है, यानी कि हमारी पास्ट लाइफ भी अच्छी हो जाएगी और फ्यूचर भी आपका अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही आपकी प्रेजेंट में डिपेंड करते हैं। इस पे डिपेंड करते हैं, हमारे आज की स्थिति में आप यदि आज अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आप डेफिनेटली 10 साल बाद आप क्या होना चाहते हो, आप बनना चाहते हो ABO, या फिर हम लेट से आप किसी भी सरकारी नौकरी करना चाहते हो, समझ में आ रहा है, आप एक बड़ी पोस्ट पाना चाहते हो, तो आप होना चाहते हो, होगे नहीं होगे डजंट मैटर, आप होना चाहते हो, पढ़ाई आज से करो। तो इस आयोग ने क्या बोला कि शिक्षा क्या होगी नहीं, हमें देखना है कि शिक्षा 21वीं सदी में क्या होगी, हम क्या चाहते, हम शिक्षा को कैसा चाहते, क्या होनी चाहिए शिक्षा। तो इसलिए इस आयोग ने 4 स्तंभ बताए हैं, समझ में आ रहा है? यहाँ से एक एक चीज को जब रिलेट करते हुए चलोगे तब समझ में आएगा, अदरवाइज चीजें समझ में नहीं आएगी, पूरी थ्योरी है, बहुत ध्यान से सुनना तब जा करके चीजें समझ में आएंगी। अब आगे सुनो, इस आयोग के अनुसार शिक्षा को क्या माना गया है? तो इस आयोग के अनुसार शिक्षा को समाज का धड़कन माना गया है। क्या माना गया है? समाज का धड़कन, ठीक है? अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट लर्निंग कंप्राइजेस हार्ट बीट ऑफ सोसाइटी। क्या है? लर्निंग कंप्राइजेस हार्ट बीट ऑफ सोसाइटी। शिक्षा क्या है? तो समाज की धड़कन है, ठीक। फिर क्या है? लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लीव टुगेदर एंड लर्निंग टू बी फॉर्म 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। इस आयोग के अनुसार जानना सीखना, करना सीखना, साथ रहना सीखना, होना सीखना, ये शिक्षा के 4 स्तंभ होते हैं। क्या होते हैं? पहले तो रट लो और फिर होगा क्या बाद में बताऊंगी, पहले तो इसको रट लो। 4 स्तंभ पूछ लिया गया क्या क्या होते हैं कि शिक्षा के, यदि डायरेक्टली बस पूछा गया निम्न में से कौन से शिक्षा के 4 स्तंभ है, बिल्कुल आपको रटा हुआ होना चाहिए, आपके पूरे एकदम मगअप कर लो, याद कर लो इसको, ठीक है? जानना क्या है? जानना सीखना, करना सीखना, साथ रहना सीखना, होना सीखना, ठीक है? फिर क्या बताया इस आयोग ने? तो इंटरचेंजेबल अंडरस्टैंडिंग,
पीसफुल इंटरचेंज एंड कोऑर्डिनेशन कैन बी टेकन एज द सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे क्या बताया गया, व्हाट आर द सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन। इफ क्वेश्चन अराइजेस व्हाट आर द सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन, अवर आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू डेलॉस कमीशन व्हाट आर द सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन, द आंसर विल बी इंटरचेंजेबल अंडरस्टैंडिंग, पीसफुल इंटरचेंज एंड द कोऑर्डिनेशन आर द सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन। यदि आपसे पूछा गया है कि डेलोर आयोग के अनुसार, डेलर्स आयोग के अनुसार शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य क्या है, तो डेलर्स आयोग के अनुसार शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य है आपसी समझ, शांतिपूर्ण आदान प्रदान एवं सामंजस्य, एवं सामंजस्य। समझ में आया, आपसी समझ होनी चाहिए हमें, ये नहीं कि आपस में हम लड़ रहे हैं, हम शांतिपूर्ण आदान प्रदान करें, पीसफुल इंटरचेंज करें, ये नहीं कि किसी को दे भी रहे हो तो भी लड़ झगड़ के कुछ भी दे रहे हो। फिर क्या आप में सामंजस्य स्थापित हो पा रहा है, किसी के साथ में कोऑर्डिनेशन बना करके चल पा रहे हो, या फिर लड़ झगड़ ही रहे हैं हम लोग। तो ये है सामाजिक उद्देश्य। समाज में रहना कैसे, समाज में हमें शांतिपूर्ण तरीके से रहना पड़ता है। आप भले घर में कैसे भी हो, आप भले घर में कैसे हो, लेकिन आप जब चार जन के बीच में बैठोगे तो कैसे बैठोगे, सभ्य बन के बैठोगे ना। बिल्कुल, ये आयोग ने एग्जैक्टली हम क्या हों ये उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी कि यदि हम बात करें, इस आयोग ने पूरा एक निचोड़ दे दिया है कि एग्जैक्टली शिक्षा केवल एक किताबी शिक्षा, किताब में पढ़ लिए बस उतना ही शिक्षा नहीं होती, हमारे जीवन में। इसीलिए इसने बताया शिक्षा क्या है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ, यानी कि जीवन भर चलने वाली शिक्षा, पहली अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत की। उसके बाद शिक्षा के चार स्तंभ इन्होंने प्रस्तुत, समझ में आ रहा है आप लोगों को। आगे देखिए, आगे क्या बताया गया है इसमें, कमीशन, आयोग ने युवा बच्चों और युवाओं को शिक्षित करने की आवश्यकता पर बल दिया जो स्नेह की अभिव्यक्ति है। कमीशन एम्फसाइजेस द नीड ऑफ एजुकेटिंग यंग चिल्ड्रन एंड यूथ विच इज एन कन्वीनियंस ऑफ अफेक्शन। यानी कि आप किसको शिक्षित कर दो, आप बच्चों को शिक्षित कर दो, युवा बच्चे युवाओं को शिक्षित करो, तो आपकी फिर सभी पीढ़ियां क्या हो जाएंगी, सभी लोग सुधर जाएंगे। क्यों, क्योंकि हम बच्चों पे ही सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं, हम बच्चों को नहीं सिखा पाते, हम केवल ये बोलते हैं कि तुमने 10th पढ़ लो, 12th पढ़ लो, अच्छी नौकरी पानी, बिल्कुल एकदम 99% लाना है, फिर उसके बाद ना ग्रेजुएशन कर लो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो, बस हम इतना ही सिखाए बच्चों को, केवल हम ये सिखा रहे तुम किताबी कीड़े बन जाओ, उसके बाद में हम उनको कुछ चीज एक्स्ट्रा चीज तो सिखा ही नहीं रहे। इस आयोग ने ये इस बात पे बल नहीं दिया। इस आयोग ने क्या बोला, इस आयोग ने शिक्षा की तो बात की है, लेकिन शिक्षा की बात किस पे की है, कि ऐसे जो स्नेह की अभिव्यक्ति है, यानी कि बच्चों को आप शिक्षा दीजिए, युवाओं को शिक्षित करिए, और किस तरीके की शिक्षा है वो भी आपको आगे सेशन में समझ में आएगा। ठीक है, फिर क्या है, एजुकेशन इज अ प्रोग्रेसिव प्रोसेस ऑफ एनहांसिंग नॉलेज एंड स्किल्स एंड इट इज एक्सेप्शनल मीन ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप्स अमंग इंडिविजुअल्स ग्रुप्स एंड नेशन। इसने क्या बताया कि एजुकेशन क्या है, एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। क्या है, प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है, इन्होंने बताया कि शिक्षा ज्ञान और कौशल में सुधार की एक सतत प्रक्रिया है। क्या है शिक्षा, क्या है सतत प्रक्रिया, बिल्कुल चलती रह रही है। इसीलिए इन्होंने शुरू में बता दिया कि इन्होंने प्रस्ताव की अवधारणा क्या दी, जीवन भर शिक्षण, बोला ना, लर्निंग थ्रू आउट द लाइफ, बिल्कुल उसको बिल्कुल वो पेज को बिल्कुल रट लेना, तभी जा करके ये आयोग ने एक एक शब्द क्या कहे तभी समझ में आएगा, तब जा करके आपको समझ में आएगा शिक्षा की गुणवत्ता क्या होती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बोली गई है ना हमेशा, तो शिक्षा की गुणवत्ता क्या होती है, क्वालिटी इन एजुकेशन है क्या, तब जाके ये समझ में आएगा। ठीक, तो शिक्षा ज्ञान और कौशल में सुधार की एक सतत प्रक्रिया है और व्यक्तियों, समूहों और राष्ट्रों के बीच व्यक्तिगत विकास, व्यक्तिगत संबंध बनाने का असाधारण मतलब है। ये क्या है, असाधारण मतलब है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये एक क्या है कि हम किस तरीके से लोगों के व्यक्तिगत विकास आपका हो रहा है, व्यक्तिगत संबंध बनाए जा रहे हैं, यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स डेवलप, पर्सनल डेवलपमेंट और बिल्डिंग रिलेशनशिप्स अमंग इंडिविजुअल, यानी कि हम लोगों के साथ में हमारे संबंध कैसे हैं, हम क्या अपना विकास कर पा रहे हैं। शिक्षा ऐसी हो कि आपका विकास तो हो, आपका विकास हो, ये नहीं कि हम मतलब कि बिल्कुल पढ़ लिए लेकिन हमें ज्ञान नहीं है,
शिक्षा, यानी कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं लेकिन ज्ञान नहीं आया कि हमें कैसे रहना है। बोला जाता है ना शिक्षित वर्ग है, शिक्षित वर्ग यानी कि कब बोला जाएगा, यानी कि आप अपने ज्ञान का प्रयोग करो तब जाकर के तो बोला जाएगा कि शिक्षित वर्ग है, अदरवाइज बोला जाएगा कि पढ़े लिखे गंवार लोग हैं, बोला जाता है कि नहीं, सामान्य रूप से ये बोला जाता है। तो वो चीज ये डेलॉस आयोग ने बताया कि इस तरीके हमें रहना क्या है। ठीक, फिर उसके बाद बात आती है आयोग के सदस्यों ने स्वीकार किया है, क्या स्वीकारा है, द मेंबर्स ऑफ द कमीशन बिलीव डैट, क्या बिलीव किया है, ओनली थ्रू एजुकेशन वी कैन होप फॉर अ वर्ल्ड दैट इज बेटर प्लेस टू लिव। इन्होंने बोला केवल शिक्षा के माध्यम से हम ये उम्मीद कर सकते हैं, हम ऐसी दुनिया की उम्मीद कर सकते हैं जहाँ पे हम रहने के लिए एक बेहतर जगह ढूंढ पाएंगे। केवल एक शिक्षा ही वो माध्यम है जहाँ पे हम एक बेहतर जगह पे रह पाएंगे, अदरवाइज क्या बोला जाता है, अरे यार इनके बीच में मत पढ़ो, यानी कि इनको ना मतलब कुछ पढ़े लिखे लोग नहीं है इनके बीच में मत पढ़ो, बोला जाता है ना, यानी कि जो बोला गया अरे हम तो पढ़े लिखे हम क्यों पढ़े इनके इनके बात में, यदि कोई चार लोग लड़ रहे हैं तो आप वहाँ पे आप थोड़ी वहाँ पे अपनी समझ दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे, कि कूद पड़ोगे डायरेक्टली वहाँ पे भी डंडा उंडा लेकर के एकदम झगड़ने लग जाओगे, नहीं झगड़ने लगोगे ना, क्या बताएंगे, तभी तो वहाँ पे पता अच्छा कि आप वहाँ पे आप अपनी समझ का प्रयोग करो, आप अपने ज्ञान का प्रयोग करो। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला है कि शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे हम ऐसी दुनिया की उम्मीद कर सकते हैं जहाँ रहने के लिए एक बेहतर जगह हो। ठीक, फिर क्या है, देयर विल बी अ म्यूचुअल रेस्पेक्ट टू द राइट्स ऑफ मेन एंड वुमेन ओनली थ्रू एजुकेशन, पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों के प्रति आपसी सम्मान होना चाहिए, होगा। ठीक है, क्या माना कि पुरुषों और महिलाओं के अधिकार के प्रति आपसी सम्मान होना चाहिए, ये नहीं कि तुम महिलाओं तुम्हारा काम है घर में रहना, मैं पुरुष हूँ मेरा काम है कमाना, ये वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। इस आयोग ने ऐसी बात नहीं कही है, क्या कहा है कि एक दूसरे को क्या करो, रेस्पेक्ट करो। ठीक है, म्यूचुअल रेस्पेक्ट की भावना आनी चाहिए। फिर क्या है, देयर विल बी इंटरचेंजेबल अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज विल बी यूज्ड टू प्रमोट ह्यूमन डेवलपमेंट। फिर इसने क्या बोला है कि मानव विकास को बढ़ावा देने के लिए आपसी समझ और ज्ञान का उपयोग किया जाएगा। मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे होगा, जब आप में आपसी समझ होगी, आपसी समझ जब विकसित करना पड़ेगा कि नहीं हमें, कि हम यदि किसी के साथ भी बैठे और बस उसको देख करके हम बस लड़ने लग गए हैं, हम क्या अपने ज्ञान का, हम बहुत पढ़े लिखे और हम अपने क्या ज्ञान का प्रयोग ना करें, उसका उपयोग ना करें, तो फिर किस काम का, यदि वो हमारे मानव विकास को बढ़ावा नहीं दे पाया तो फिर वो किस काम का ज्ञान। तो इस आयोग ने बोला कि मानव विकास को बढ़ावा कैसे दिया जाएगा, आपसी बढ़ावा देने के लिए आपसी समझ और ज्ञान का उपयोग किया जाएगा। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमारा यदि हम देखें तो ये पार्ट वन रहा है जहाँ पे हमने क्वालिटी इन एजुकेशन, शिक्षा की गुणवत्ता, और या फिर हम बोल सकते हैं डेलॉस कमीशन रिपोर्ट का ये पार्ट वन रहा है। इसके सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोगों को यदि एक बार में समझ में ना आए तो दो बार तीन बार जितने भी बार सुनिए ये लेक्चर को, तब जाकर, क्यों, क्योंकि ये पूरा थ्योरी है। आपको एक इस आयोग की बात को, पहली बात याद रखो, इस आयोग की बात को समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक, आपको अपना एक कौन सा एक माइंडसेट को बदलना पड़ेगा, यानी कि एक स्पिरिचुअल माइंडसेट के साथ में बैठना, अच्छा कि ज्ञान क्या होता है, शिक्षा क्या होती, केवल किताबी ज्ञान के अलावा भी कुछ ज्ञान है क्या, तब जाकर के इस आयोग की बातें आपको समझ में आएगी। ये जीवन की शिक्षा के बारे में ये बोले हैं, समझ में आ रहे हैं, जीवन की शिक्षा, तब जाकर के इस आयोग की बात समझ में आएगी, क्योंकि ये पूरा थ्योरी है। तो इसी के साथ में मैं आज के सेशन को एंड करूंगी। क्लास यदि अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत जल्द मिलेंगे, लेकिन नेक्स्ट सेशन में मिलने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि यकीन बैच में यदि आपको लगता है कि आपको बेसिक से पूरा पढ़ना है तो बिल्कुल यकीन बैच में एनरोलमेंट करवा लीजिए, क्योंकि प्राइस एकदम ऑप्टिमम रखा गया है, यानी कि अफोर्डेबल प्राइस रखा गया है कि इतने में तो एक कोर्स मिलते हैं, यहाँ पे तो आपको पूरे के पूरे कोर्स करवाए जा रहे हैं।
तो अफोर्डेबल प्राइस रखा गया है, तो बिल्कुल यकीन बैच में भी आप लोग एनरोलमेंट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी ये पहुँच पाए। ठीक है, इसी के साथ में आज के सेशन को हम एंड करेंगे, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन।